जयकारा शेरावाली दा बोल साचे दरबार की जय। अच्छा सुनो, जल्दी से जाके मंदिर सजाने का सारा सामान ले आओ और कल के लिए लाल फूल ऑर्डर करना, पूजा में लाल ही फूल लगेंगे। अच्छा सुनो, वो सब कुछ बाद में करना, मेरा सर बहुत दर्द हो रहा है, मेरे लिए पहले ग्रीन टी लेकर आओ। मैम कोई बात नहीं, तुम ग्रीन टी लेकर आओ, तुम झाड़ा लेके आओ, मैं सामान लेके आता। ये फूल, ये तो सारे उलझे हुए, इनको सुलझाने में पूरी रात निकल जाएगी, सुलझाएगा कौन इनको? एक सेकेंड, इनको मैं सुलझाता हूँ। अरे वाह माहिर, इससे पहले तुझे इन सब चीजों में कभी इंटरेस्ट नहीं था, देखा नहीं, आज कुछ खास है क्या? अरे माँ जाना है ना। क्या? मेरे कहने का मतलब है आप जाओ, मैं ये सारे काम कर दूंगा, बेफिक्र रहो। बेला तुम मेरे साथ चलो बेटा, हमें प्रसाद की लिस्ट बनानी है, आ जाओ। मैं माँ उसमें बेला क्या करेगी, प्रसाद की लिस्ट तो बन जाएगी ना, मतलब जो माता रानी खाती है वही माँ भी खा लेगी, मतलब मेरी माँ और बेला भी वही खा लेगी ना, जो देवी माँ को भी पसंद होगा, तो है ना। कुछ भी बोलेगा, ऐसे कैसे चलेगा, बेला आओ मेरे साथ। फोन आ गया, एक सेकंड बेटा। हेलो, हाँ जी, माँ प्रसाद की लिस्ट बन गई, अब तो चलो। माहिर जी इस वक्त? अरे isn't it too late? वैसे भी कल पूजा है। अरे तो क्या हो गया, हम जल्दी से जाके आ जाएंगे। इस वक्त क्या खुला होगा माहिर जी? अरे मुझे पता है, कैफे 24/7 है, ज्यादा दूर भी नहीं है, जल्दी आ जाएंगे। चलो, मैं इतनी हंसी क्यों आ रही हूँ? बेला जल्दी से चलो ना, फटाफट से जाके आ जाएंगे। हा? यार मैं इतनी देर से वेट कर रहा हूँ, तुम हंसती चली जा रही हो, मैं समझ में नहीं आ रहा तुम हंसी क्यों आ रही है। मैंने आज तक कभी भी किसी का इतना इंतजार नहीं किया बेला, पता है तुम्हें? पता है, आप अपनी बिजनेस डील्स के अलावा और कुछ नहीं कर रहे। ओह दैट मींस तुम जानबूझ के कर रही हो मेरे से। ऐसा कुछ नहीं, आप खुद ही क्यों कर रहे हैं आप वैसे? मतलब क्यों मेरा इंतजार कर रहे हैं? What if it's all a mistake? बेला it's not a mistake, गलती नहीं है कोई, मैं जानबूझ के कर रहा हूँ। मेरे कहने का मतलब है कि मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे दिल में क्या है, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, तुम बात समझने की कोशिश करो। Tell me, क्या है तुम्हारे मन में, क्या चाहती हो exactly? Tell me, बोलो ना बेला, कुछ तो बोलो। अरे बिजली किसने ऑफ कर दी? बेला बेला नहीं नहीं हाँ, हम देख रहे थे कि अंधेरे में बाकी की लाइट्स कैसे लगते हैं। बहुत सुंदर लग रही। अच्छा लिस्ट बन गई क्या? हाँ हाँ बन गया लिस्ट। अच्छा चलो आ जाओ फिर। चलो चलो आओ। अरे हमें गेस्ट लिस्ट बनानी है, आओ बेला। मैं ना कार वेट कर रहा हूँ। नाम सारे तुम्हें पता है, फोन से देख लेना, मैं आके देख लेती। अरे ठीक से किया या नहीं माहिर ने? क्या करूं, मैं अंदर जाना चाहती हूं लेकिन बेल पत्र के रहते मैं ऐसा नहीं कर सकती। पता नहीं उनके होते रूही कैसे अंदर चली गई, बस कैसे भी करके रूही बाहर निकल के इस लड़के के पास आ जाए और वो इसी के साथ रहे तो मुझे बहुत खुशी होगी। पर नहीं, वो इसे मिलने आने वाली नहीं है क्योंकि वो विक्रांत उसे नहीं आने देगा। हे भोलेनाथ मैं क्या करूं, मैं आघुरी बाबा से भी मदद नहीं ले सकती क्योंकि उन्हें तो पता भी नहीं है कि मैं यहाँ हूं, तो मैं कैसे इस लड़के से बात करूं क्योंकि सिर्फ स्वप्न लोग भी एक रास्ता है जिससे मैं इस लड़के से बात कर सकती हूँ।
ये फूल बना दे। माँ हाँ ये हो गया गेस्ट लिस्ट का। बहुत अच्छी मैं जाऊँ? हाँ तुम जाके सो जाओ, मैं भी थोड़ा एक्चुअली माहिर जी बाहर हैं तो उनको देख लेती हूँ। अच्छा ठीक। कौन नॉक कर रहा है? ये सर कौन होगा? माहिर जी होंगे, मैं देख लेती हूँ। मैं आप ही के पास आ। मेरे पास आते इससे पहले मैं तुम्हारे पास आ गया बेला। जाओ युवराज, युवराज क्या हो रहा है ये? अरे हमने नवरात्रि रखी है राइट? हाँ तो वही तो कर रहा हूं। बचाओ युवराज, क्या हो रहा है ये सब? अरे आप लोग धीरे बजाइए ना। ए मॉम कोई धीरे नहीं होगा, सहगल से घर दुर्गा माता आई है, आज पूरी रात जगराता होगा, कोई नहीं सोएगा। अरे तू पागल हो गया क्या? माता का अनावरण हुआ नहीं, कल होगा जब पंडित जी आएंगे तो। अरे, अरे माता का अनावरण तो होता रहेगा मॉम, वेलकम पार्टी तो आज ही होगी ना। माहिर जी के पास जाना है, पर ये विक्रांत मुझे उनके पास जाने क्यों नहीं दे रहा? अरे माँ डांस के बीच में कोई बात नहीं होगी, चलिए। बस रूही, विष अपने जादू के साथ तैयार हो ही गई होगी, जिसे तुम्हारी माँ किसी भी हाल में अंदर नहीं आ पाएगी, और तुम्हें तो मैं इस घर के बाहर जाने नहीं दूंगा। तो करने दो उस माहिर को इंतजार, उसका इंतजार आज बहुत लंबा होने वाला है, बहुत लंबा। हाँ यही सही समय है, मैं इसके सपने में जाके इसे आगाह करती हूँ। ये कौन? बेला मुसीबत में है। कौन है वहां? क्या क्या मुसीबत है बेला? वो जानना जरूरी नहीं है इस वक्त, बस बेला को बचाना जरूरी है। तुम उसे बचाओगे ना? ऑफ कोर्स बचाऊंगा, लेकिन बेला किस मुसीबत में और आप ये क्या बोल रहे हैं? मैं कैसे बचाऊं बेला को? माँ, माँ तुम्हारी मदद करेगी। माँ मतलब? अगर दिल और इरादे मजबूत हो तो माँ से मदद ली जा सकती है। दुष्टों का संहार माँ ही करती है। कैसे बताना, माँ कैसे बचाएगी बेला? बेला किस मुसीबत में, कुछ बताएंगे आप? है कौन? धुआं दिव्य शक्ति माँ। माँ धुआं दिव्य शक्ति, क्या था ये? बेला को बचाना है, माँ बचाएगी। वो वार्ड में यहाँ पे सो गया था, बहुत देर हो गई है। माँ
माहिर जी, मैं आपके पास ही आ रही थी। जो के तुम ठीक हो ना? माहिर भाई, कम ऑन, लेट्स टेक अ सेल्फी। कम ऑन माहिर भाई, हे कम ऑन गाइस। माहिर भाई, अब आपकी बारी। अरे मैं नहीं बचा था। अरे कम ऑन, यू कैन डू इट। धुआं दिव्य शक्ति मां 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 मा। माहिर तो अंदर आ गया, लेकिन बेला की माँ, वो बुढ़ी नागरानी माँ इस घर के अंदर नहीं आ पाएगी। दिव्य शक्ति मां 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 धुआं दिव्य शक्ति मां 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 मा। अच्छा हुआ कि आज घर में कोई पूजा नहीं है। ये जादू तब काम करेगा जब आसपास कोई आग नहीं होगी। मॉम, ये माहिर भैया क्या कर रहे हैं? विक्रांत, सामने से हटो, मेरा रास्ता छोड़। अरे बेला, ऐसे कैसे जाने दो? तुम तो अभी मन से डांस भी नहीं कर रहे। मुझे पता, तुम डांस करना कितना अच्छा लगता है। भूल गई वो पुराने दिन? याद है? अगर इस घर में बेला पे कोई बुरा साया है तो वो आज नहीं बचेगा। आग? नहीं, इससे तो मेरा सारा जादू खत्म हो जाएगा। मुझे इसे रोकना होगा। What the hell? What? मैंने जानबूझकर थोड़ी किया, but I just tripped. चलो अंदर, सब लोग डांस करें। माहिर, आरती आज नहीं करेंगे बेटा, कल करेंगे पूजा के बाद। क्यों? तुम्हें देखा ना, कैसे हो पाता? मेरा ध्यान यहाँ था। और खैर, वो सब छोड़। मैंने बेला की माँ को देख लिया अंदर आते हुए, आत्मा के रूप में। वो यही कहीं है। कहाँ? बताओ मुझे कहाँ है वो? वो कहीं छुपी हुई है, और मैं उसे अपने असली रूप में ही देख सकती हूँ। इसलिए मैं अपने असली रूप में आती हूँ, तुम बेला पे नजर रखो, कहीं वो मुझे देख ना ले। और तुम घबराओ मत, मैं सब कुछ संभालूंगी। जैसे मुझे उसकी माँ दिखेगी, मैं डिसलोकेट हूँ और फिर इंसान रूप में आ जाऊंगी। यूवी भाई, we'll be right back.
वो दे। बिला योगे, बिला, 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 बिला। पानी लेके आओ कोई। ये लाइट्स को क्या हुआ? लाइट्स ऑन करो। पूछा? बिला? क्या हुआ? बिला? अरे क्या हो गया बिला को? माहिर से कमरे में ले चलो चलो। बेला यही मौका है, मैं अपनी बच्ची के सपने में फिर से जाके उसे सब बता देती हूँ। नहीं नहीं मत जगा उसे, मत जगा। माहिर इट्स ओके बेटा, हो सकता है थकान की वजह से ऐसे हो गया हो, उसे रेस्ट कर लेने दे। बेटा किसी चीज की जरूरत हो तो बता देना। सपने में मैंने किसकी आवाज सुनी थी, लेकिन आई होप कि मैं तुम्हें हर खतरे से बचा लूं। तुमने बचा लिया अपनी बेला को, ही रूही को। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। Is she okay? हाँ ठीक है। You go sleep. What? What मतलब? अरे मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ भाई कि आप जाके सो जाइए, मैं हूँ बेला का ध्यान रखने के लिए। Don't trouble yourself. Don't talk rubbish, Yogi. मैं बेला के पास हूँ, मैं ऐसे कहीं नहीं जा रहा हूँ। हाँ माहिर बेटा, इस विक्रांत को यहाँ मत रुकने देना। ये यहाँ रुक गया तो फौरन रूही को जगा देगा, और मैं उसके सपने में नहीं जा पाऊंगी। ये क्या जिद, आप छोड़ते क्यों नहीं हो बेला? क्योंकि वो ऐसा नहीं चाहते। लुक, लोगों का साथ और हाथ आपको छोड़ना सीखना पड़ेगा, जैसे बेला ने सीख लिया। एंड आई एम श्योर उसने गलतफहमी में आपका हाथ मेरा हाथ समझ के पकड़ा। ये भी तुम I think we need to talk. तो इतने जोर से मैं बोलूं वो जाग जाएगी हमें। तो ठीक है बेला को आराम करने दीजिए, अब बाहर आइए, बाहर बात करते हैं। कम एक मिनट। अरे भाई अब क्या डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो मैटर को, बाहर बात करनी है। चलो बेला, बेला मेरी बच्ची, मैं आ रही हूँ, मैं तुम्हारे सपने में आ रही हूँ बच्ची, मैं तुम्हारे सपने में आ रही हूँ। मैं कह रहा हूँ आप मेरी बात को सुनो, आप मेरी बात को सुनने को तैयार ही नहीं हो, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, मेरी बात तो सुनो। What the hell you चाहते क्या हो तुम? ये बात आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि मैं क्या चाहता हूँ और किसे चाहता हूँ। इनफैक्ट आपके सामने, मेरे सामने, पूरी फैमिली के सामने बेला ने कन्फेस किया था दैट शी स्टिल लव्स मी। लिसन यू, मैंने अपनी जिंदगी में एक चीज रियलाइज किया कि हर चीज ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती, ना ही रिलेशनशिप, ना ही प्यार। पर यहाँ है भाई, ब्लैक व्हाइट सब क्लियर है, भाई बेला को भी सब क्लियर है कि उसे क्या चाहिए
और क्या नहीं चाहिए। बता चुके हैं साफ साफ, कन्फेस कर चुकी है कि उसे अपना यूवी चाहिए। आपको पता नहीं किस बात की कंफ्यूजन है। एनीवे, आप मुझे ये बताओ कि बेला ने आपसे ऐसा क्या कहा है जो आपको ये गलतफहमी हो गई कि वो आपसे प्यार करती है। टेल मी। कुछ नहीं, बेला ने मुझसे कभी ये नहीं कहा कि वो मुझसे प्यार करती है, लेकिन बेला ने मुझसे कभी ये भी नहीं कहा कि वो मुझसे प्यार नहीं करती, तो मैं ये कैसे मान लूं कि वो मुझे छोड़ना चाहती है। देखो, आपको जो मानना है वो मान, ठीक है, पर इस टाइम बेला को उसके यूवी की जरूरत है जो रेस्ट कर रही है। मैं उसके लिए ब्लैंकेट और हल्दी का दूध देने जा रहा हूं। ओके, कोई जरूरत नहीं जाने की, मैं ले आऊंगा। अच्छी बात है, मैं भी तो यही चाहता था कि तुम यहां से जाओ माहिर साइकिल। आपका नागरानी जी, स्वप्न लोक से इंसान के इस रूप में आपका स्वागत है, और अब आपको मैं मृत्यु लोक पहुंचाने का बंदोबस्त कर दूंगा सासुमा। अफसोस है सासुमा कि आज ही मुझे आपका स्वागत करना पड़ रहा है, और आज ही मुझे आपकी विदाई भी करनी पड़ेगी। आप यहाँ पहुंची कैसे? कौन मदद कर रहा है आपकी? नाम बताओ मुझे उसका। क्या हुआ बेला, तुम इतना डरी हुई क्यों? कोई बुरा सपना देखा? मैंने फिर से अपने सपने में माँ को देखा विक्रांत। अच्छा, क्या कह रही थी नागरानी? फिर से वही बात कि मुझे सतर्क रहना चाहिए, और मुझे खतरा है और कोई मेरा भरोसा तोड़ देगा। वो तो मैं कब से तुमसे कह रहा हूँ कि माहिर तुम्हारा भरोसा तोड़ेगा। विक्रांत, तुम माहिर पे शक क्यों करते हो? तो फिर क्या करूं?
क्या तुम सबसे ज्यादा भरोसा उस माहिर पर नहीं करती हो? बात को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो विक्रांत? मेरी परेशानी की वजह कुछ और। माँ इस तरह बार बार मेरे सपने में आती है और वो सपने जैसा नहीं लगता विक्रांत, वो सब सच लगता है। मुझे बार बार ऐसा ही लगता है कि वो अपने लोग से आके सपने लोग से कैसे बात कर सकती है तुमसे? मैं बार बार नहीं दोहराना चाहता हूँ लेकिन नागरानी माँ मर चुकी है। और जिंदा भी थी तो अब नहीं रहेगी। विक्रांत तुम नहीं समझ रहे, कुछ है जो हमसे छूट रहा है, कोई ऐसी कड़ी जो हम पकड़ नहीं पा रहे। तुम खुद सोचो, अगर वो जिंदा नहीं होती तो वो दो बार मेरे सपने में आके एक ही बात मुझसे क्यों करती? मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझे देख पा रही है। वो कहीं ऐसी जगह पर है जहां से वो जानती है कि मेरा क्या हाल है, या वो मेरे पे आने वाले खतरे को देख पा रही है। तुम्हें पता है वो परीक्षा लेने की बात कर रही थी, किसी संकेत की बात कर रही थी। क्या मतलब? जब मैंने उनसे पूछा था, उन्होंने किसी निशानी के बारे में बताया था। आप क्या कह रही हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। रूही रूही मेरी बात सुन, तेरी बच्ची मेरी बात सुन, मैं तुझे उसकी निशानी बताती हूँ। और जैसे मैं बता रही हूँ ना, अगर तूने वैसे ही उसकी परीक्षा ली तो फिर तू जान पाएगी बेटा, तू जान पाएगी कि वो इंसान तेरे भरोसे के लायक है क्या नहीं। बता मुझे बेला, तुम चुप चुप क्यों हो गई? कैसी निशानी, कैसी परीक्षा? बताओ मुझे कौन है वो इंसान, बताओ मुझे कौन है वो, परीक्षा क्या है मुझे बताओ। हाथ छोड़ो मेरा विक्रांत, मुझे नहीं कुछ याद आ रहा है, मैं नींद में थी, इससे ज्यादा मुझे नहीं कुछ समझ में आया। और तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो? मैं तुमसे माफी मांगना चाहूंगा, क्या है ना, मुझे तुम्हारी भरपाई है, मैं तुम्हारी रक्षा करना चाहता हूँ। और मुझे ये बात सुनकर बहुत बहुत गुस्सा आता है कि कोई तुम्हें धोखा देना चाहता है, कोई तुम्हें दर्द देना चाहता है। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अच्छा ठीक है, मैं आज के बाद गुस्सा नहीं करूंगा, मैं माफ कर चाहता हूँ। तुम एक काम करो ना, तुम आराम कर लो, सो जाओ। मुझे नहीं, तुम्हें सोना होगा। मेरा मतलब है कि तुम आज चक्कर खा के गिर गई थी, थोड़ा आराम कर लो, कितनी थकी हुई हो, सो जाओ। मैंने बोला ना, मुझे मिलो फटाफट, कम ऑन जल्दी। एक सेकंड यूवी। सोनल तुम? हाँ, और मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही थी, तुम कहाँ थे? हम कहे तुम आ गई। You know what? जिस दिन हमारी बहस हुई हो तुम वहाँ से भाग गई, मुझे लगा कि पता नहीं मेरी गर्लफ्रेंड बनने से पहले ब्रेकअप हो गया। अच्छा? सॉरी सॉरी सॉरी, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम यहाँ आ गई। You know what? तुम इधर हो। कोने में? I am all ready. Come on, kiss me. मुंह बंद करो, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। उस रात को क्या हुआ था? इसीलिए तो मैं वापस आई हूँ। लिसन टू मी, उस रात को जब हम पार्टी करके वापस आए थे और यहाँ रुकने का सोच रहे थे तो आई नो उस इडियट आदि ने तुम्हें कुछ कह दिया तो तुम गुस्सा होकर वहाँ से चली गई थी। उसमें तो मेरी कोई गलती भी नहीं थी यार। आई नो, मैं तुम दोनों से लड़ पड़ी। वही तो, मेरा दिल टूट गया था, मैं तुमसे बात भी नहीं कर पाया, मैं वहाँ से चला गया। बट आई एम वेरी हैप्पी कि तुम वापस आ गई। उल्टू, जब मैं उस रात को वापस आई थी तो अनु, आई नो अनु, उसी दिन वो अनु का हादसा भी हुआ था ना। क्या हुआ, आई ओके? तुमने कुछ देखा था क्या? क्या अनु? अनु अब जेल से मुझे बताओ कि आपने रोहित को क्या कहा था, किस चेतावनी, किस निशानी, किस इम्तिहान के बारे में उसे बात कर रही थी, बताओ मुझे, बताओ मुझे। बचाओ, मेरी मदद करो कोई है, बचाओ, बचाओ। कौन कौन है यहाँ? हमारे सिवा यहाँ और कोई नहीं है। और हम क्या इतने बेवकूफ हैं कि आपको किसी ऐसी जगह ले आएंगे जहाँ लोग कोसों दूर तक यहाँ कोई नहीं, बल्कि यहाँ पर आपको पीने के लिए पानी भी नहीं मिलेगा। इसलिए चीखना बंद करो और सीधे सीधे बताओ कि बेला को क्या कहा था आपने, बताओ, वरना वरना क्या, वरना क्या? मार डालोगी मुझे? ठीक है, मार डालो, अच्छा है। फिर मैंने रूही से क्या कहा ना, ये तुम दोनों को कभी पता नहीं चलेगा, कभी नहीं। कितनी भी कोशिश कर लो तुम दोनों,
मैं कुछ नहीं बोलूंगी, मैं अपना मुंह नहीं खोलूंगी, नहीं खोलूंगी। अभी आपको जान से मार देता हूं। नहीं विक्रांत, नहीं ऐसा मत करना। इनका जिंदा रहना हमारे लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। जरा सोचो, अगर हम इन्हें हमारे कब्जे में करते तो बेला हमारे लिए क्या कुछ नहीं करेगी। इनके लिए वो कुछ भी करने को तैयार हो जाएगी, इसलिए मुझे नहीं लगता कि हमें इन्हें मारना चाहिए। बस बुढ़िया को नहीं मारेंगे, ये हमारे बहुत काम की। विशाखा इसका मुंह बंद करता। तुम दोनों बहुत बुरा कर रहे हो, भुगतोगे, तुम दोनों भुगतोगे। तुझे तो दुगना पाप लगेगा इस तो अपनी दोस्त के साथ धोखा करने का, दूसरी नागरानी के साथ धोखा करने का। पछताओगे तुम दोनों, पछताओगे। ये मेरी बद्दुआ है, दोहरी मौत मिलेगी तुझे विशाखा, दोहरी मौत। तूने मेरी बच्ची की पीठ पर वार किया है ना, तेरे सीने पे वार होगा, देखना तू, और वो भी तेरे किसी अपने के हाथ। याद रखना तुम दोनों, भोलेनाथ का तीसरा नेत्र तुम दोनों पे खुलेगा। इस धोखे की माफी नहीं, सिर्फ सजा मिलेगी तुम दोनों का, सिर्फ मौत मिलेगी, और वो भी खुद महाकाल के हाथों। विशाखा मुंह बंद करो इनका। यहाँ पर अब बिल्लियां कबूतरों की रखवाली करेंगे, इनके रहते सासू माँ कहीं नहीं जाने वाली। पर ऐसा कैसे हो सकता है, इन्होंने तुम पे हमला नहीं किया, तुमने ऐसा क्या किया जो दोस्ती की है विशाखा। देखो जब तुम्हारे कोई बहुत काम का हो तो उसे अपना दुश्मन नहीं, उसे अपना दोस्त बना लेना चाहिए। बैठ जाए मतलब निकालने के बाद तुम उनकी जान ही क्यों ना ले लो। चले माहिर भाई, माहिर भाई एक सेकंड, मेरे को आपसे कुछ बात करनी है। अभी बिल्कुल टाइम नहीं, ऊपर जाना है बेले को पानी देने के लिए, वो बहुत देर से वेट कर रही है। डैड ने पहले कॉन कॉल के लिए वेट करवा लिया मुझे। माहिर भाई अपनी लव स्टोरी बाद में सुनाना। बुल्टू बुल्टू ये डर क्यों रहा है, कोई भूत नहीं है, इट्स जस्ट मी। अच्छा चल आरजू और मैं पिक्चर्स लेने, तू भी आ जा, चल ना। आई ओके बेला, मुझे लगा अब तक सो गई होगी। आई एम सो सॉरी, मैं आने में थोड़ा लेट हो गया। एक्चुअली डैड ने कॉन्फ्रेंस कॉल के लिए रोक लिया था और उनकी कॉन्फ्रेंस कॉल खत्म ही नहीं हो रही थी। एनीवेज हमें बात करनी थी बेला। हाथ, आपका हाथ। क्या हुआ मेरे हाथ? कुछ नहीं, दीजिए। क्यों इसे? अरे अरे क्या हुआ बेला? Are you okay? Fine? वैसे मैं तुमसे बात करने आया था लेकिन मुझे लगता है सही टाइम नहीं है, तुम्हें बात नहीं 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 माहिर जी, we can talk। माँ ने हाथ की तरफ इशारा किया था कि वो परीक्षा क्या है, शायद धीरे धीरे वो भी याद आ जाए। नहीं नहीं माहिर जी प्लीज हाथ मत छुड़वाइए ना, वो क्या है ना मुझे बहुत डर लग रहा है, अजीब सा लग रहा है, प्लीज मुझे मत छुड़वाइए। मेरा यही हूँ तुम्हारे पास, कहीं नहीं जा, रिलैक्स। मैं एक्चुअली कह रहा था कि हमें बात करनी चाहिए। इनफैक्ट बात तो हम बहुत बार कर चुके हैं लेकिन हमारी बात किसी नतीजे पर नहीं पहुंच रही। हमारा रिश्ता किस डायरेक्शन में जा रहा है, हमारा प्यार, हमारी शादी किस डायरेक्शन में जा रही है, हमें कुछ पता तो होना है। क्या कहा था माँ ने, मुझे पूरी बात याद क्यों नहीं आ रही? तुम सुन भी रही हो मैं क्या कह रहा हूँ बेला? क्या कर रही हो बेला?
यार मैं थक गया हूँ तुम्हें समझाते समझाते। हाँ मैं भी सो जाते हैं एक्चुअली। यू सीरियस? या आई एम सीरियस, वेरी टायर्ड, सो जाते हैं। बेला देखो ये आखिरी बार है जो मैं तुमसे इस बारे में बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर तुम इस बार मुझसे बात नहीं करोगी ना तो मैं खुद कोई डिसीजन ले लूँ। एक काम करिए ना, प्लीज लाइट्स ऑफ कर दीजिए, सो रही। शायद सपने में ही मुझे माँ का कहा याद आ जाए। हमें जल्दी घर जाना होगा वरना वहां पे सब सोचेंगे यूवी नहीं है, शाका नहीं है, कहीं दोनों का चक्कर तो नहीं चल रहा। सर से ऊपर चला गया है, पानी पीने का कोई फायदा नहीं होगा। मतलब ये कि तुमने नागरानी माँ को उस रूप में डसा है जिसमें ना ही वो इंसान थी ना ही वो नागिन थी, वो आत्मा रूप में थी और उसी वजह से तुम्हारे साथ ये सब कुछ हो रहा है। तुमने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताना चाहता था लेकिन ये बात मेरे जहन से निकल गई कि हम नाग नागिनों को दूसरे नाग नागिनों को आत्मा रूप में डसने की इजाजत नहीं है। ये बहुत बड़ा अपराध है। जो अपराध तुमने किया है उसका परिणाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा। पर मैं ठीक कैसे होगी? उसका कोई ना कोई उपाय तो होगा। मेरी मदद, मदद, मदद। अब मैं कुछ नहीं कर सकता। मतलब ये कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता हूँ। हाँ इतना जरूर बताना चाहूंगा कि तुम्हारी ये जो हालत है ना ये और खराब होने वाली है। तुमने जितनी बार नागरानी माँ को डसा है ना तुम उतनी कमजोर होती चली जाओगे। आगे क्या होगा इतना नहीं जानता लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि तुम जिंदा नहीं बचोगी। लेकिन तुम इसे मौत मत समझना। ये तुम कुर्बान हो रही हो मेरे लिए। दोस्ती में जान देने वाले को कुर्बानी कहते हैं और तुम्हारी इस कुर्बानी को ना मैं हमेशा याद रखूंगा। अब देखो से पहले मैं रो पड़ूं, मैं चले जाता हूं लेकिन जाने से पहले मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि मैंने जितना भी समय तुम्हारे साथ बिताया ना बहुत अच्छा था। अब चलता हूं मैं, अलविदा। मुझे ऐसे ही मरता हुआ छोड़ के चले जाओगे? पत्थर दिल थोड़ी ना हूं मैं, ऐसे थोड़ी ना छोड़ के जाऊंगा मैं। इधर आओ, आओ। अब चैन से अपनी आखिरी सांसें यहां लेना। तुम चिंता मत करना, मैं रास्ते भर भोलेनाथ से तुम्हारे लिए दुआ करूंगा कि वो तुम्हें ज्यादा दर्द ना दे। चलता हूं, अलविदा। तुमने हमारे साथ किया तुम्हें नहीं करना चाहिए था, पर याद रखना एक दिन आएगा जब तुम्हें भी प्यार की कीमत पता चलेगी। तुम तड़पोगी, तुम रोओगी, पर उस वक्त तुम्हारे पास मैं नहीं होगा और फिर तुम
लिए कुछ भी हो, नागिन हो, इंसान हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, पर हमारे लिए तुम हमारी हो, तुम हमारी। एक बार मुझे बताओ तुम्हारे साथ किसने क्या गलत किया है? बजरंग बली की सौगंध, उसे छोड़ेंगे नहीं रघुनाथ। तुम एक बार हमारे साथ होते